आज हम लोगों का बहुत श्री सुनीता दीदी ने श्री धर्मधर धर्म सिंह प्रभु ने अपना पोता पोता की जन्म उत्सव को लक्ष्य करके उन्होंने आज सब भक्त लोगों को बुलाया है। लगता है ये जो पेड़ में था तभी बच्चे का बर्थडे आए, शादी का साल लग रहा है, इधर उधर डिस्को डांस नहीं करवा करके अगर घर में भक्तों को बुलाए, घर में हरि कीर्तन हो, हरि नाम हो, क्या होता है कहते मंगल भवना हरि। अगर जीवन में कोई अमंगल हो तो सारे अमंगल दूर हो जाता है। अगर उल्टा बुल्टा लोग बुला कर खूब बोतल मिला है और खूब मुर्गा खिला है, इसलिए संत लोग कहते हैं भैया किसी बच्चे की बात हमारी शादी की साधक रहना, अगर तुमने अगर इतना बोतल तोड़वाओगे, इतना जीव हिंसा करोगे ना, अगर बच्चे का परमायु अगर 100 हो ना वो झट 50 में उतर कर गा जाए। मंगला नाम सकल निगम बल ही सत्फल चित स्वरूपम सक्रीदपि परिहितम श्रद्धया हलयवा भृगुवर नर मात्र कारयत कृष्ण नाम। कहते भगवान का जो नाम है ये मधुर से भी मधुर है और ये मंगल से भी मंगल है। अगर किसी तरह से ठाकुर जी का नाम मुंह से निकल गया कहते जन्म जन्मांतर का सारे पाप को नष्ट कर देगा। आप लोग आज श्री चैतन्य महाप्रभु की एक भक्त की कथा सुनो। एक भक्त था जिसका नाम था श्री सुबुद्धि राय। क्या नाम था? सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय एक दिन बन गया इसकी नौकर बन गया, कभी वो पद से उतर गया। और ये जो मुसलमान था एक दिन मुसलमान फिर आए तो ये हो गया राजा, अब इसकी अधीन भी ये हो गया। एक दिन क्या हुआ उसका जो बेगम था राजा की जो रानी उनको पीठ पर तेल लगा रही थी, उसने देखा उसको पीठ पर कोड़े की बहुत बड़ा दाग। बेगम ने पूछा भैया ये क्या चीज है? बोले कोई बात नहीं, वो बोलना नहीं चाह रहा। बोले नहीं बोलना पड़ेगा, एक स्त्री हट होती है, स्त्री हट जानते हो, एक बाल हट, स्त्री हट, जोगी हट, एक स्त्री हट होती है। अगर स्त्री अगर पति को पीछे पड़ गई, हमको ऐसे साड़ी चाहिए, जब तक उस पर नहीं ला कर देगी ना देगा तब तक वो रोटी फेंक करके देगी, उल्टी मुंह करके बात करेगी, सीधी बात करेगी नहीं है। इसलिए बोले नहीं आपको बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मजबूरी होकर बोला देख बेगम एक दिन ये जो सुबुद्धि राय एक दिन राजा था, मैं था इसके अधीन में प्रजा, मैंने बहुत सारे रुपया पैसा के हेर फेर किया और पकड़ा गया था, चूंकि वो हिंदू था उसने मेरे अपराध को माफ करके पीठ में एक कोड़े मार करके चाबुक मार कर मेरे को छोड़ दिया। वो मेरे को मृत्यु दंड दे सकता था, हिंदू बड़े दयालु। अभी पत्नी तो पीछे बढ़ गई, बोले नहीं अभी आप राजा बने, अभी वो प्रजा है ना, अभी उल्टा उसको मृत्यु दंड दे दे। मैं मृत्यु दंड नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर उसने कभी कृपा की है, वो मेरे को मृत्यु दंड दे सकता था लेकिन छोड़ दिया, इसलिए मैं मृत्यु दंड नहीं दे सकता हूँ। फिर बोली एक काम करो, हिंदू लोग पहले बड़े ये थे ना कठोर थे, बोले इसका जात ले लो। बोले जात कैसे ले? उनको पास में एक बदना होता है जिसमें पानी भर करके पिला दो ना ज्यादा चली जाती है। उन्होंने बदना में पानी भर करके उनको पिला दिया तो उसकी जात खत्म हो गई। खत्म हो तो उसने ब्राह्मणों समाज में गए,
बोले ऐसे ऐसे हो गया मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन ब्राह्मण लोग बड़े कठोर दंड चले। बोले देखो एकदम घी जब उबलेगा पूरा उबलेगा घी, उबलता हुआ घी को तो पी लो, अगर उबलता हुआ घी को पियोगे तो क्या होगा बताओ, राम नाम सत्य हो जाएगा। बोले भैया ये बड़ा कठोर दंड है। और किसी ब्राह्मण के पास में गए, बोले भैया मुझे क्या करनी चाहिए। बोले एक काम करो, तुम चारों तरफ में जो कंडे होता है ना, कंडे से अपना चंदन सजा दे और कंडे में आग लगा दो। जब कंडा जलेगी, हाँ जलने पर क्या होगा, धीरे धीरे उसका अंदर में तो उबलते उबलते उसके अंदर में सिद्ध होते होते प्राण को त्याग दो। बोले भैया ये तो बड़ा कठिन है। उन्होंने जिन जिनियों के पास में गए उन लोगों ने जो सजा दी ना, मृत्यु दंड ही सजा दिया। तो चिंता ना, चिंता में पड़े गया। अब लोग कोई मरना चाहते हो, कौन मरना चाहते हो, हाथ उठा दो। कोई भी दुनिया में मरना नहीं चाहते, मरने का नाम सुनते ही हम घबरा उठते, भैया मर जाएंगे हैं? अभी तो सोचा भैया क्या करनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने कैसे भ्रमण करते 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 उसने कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में पहुंचे। बोले प्रभु कैसे ऐसे स्थिति है, अभी बताओ मेरे को क्या करनी चाहिए। देखो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, बोले तुम्हें कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं, केवल भगवान के नाम जप करो, केवल भगवान की नाम को जप करो। भगवान के नाम जप करने पर एक जन्म नहीं, कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का अगर पाप हो, भगवत नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। है? इसलिए बताए बोले सांकेतम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। अगर भगवान का नाम किसी तरह से ठाकुर जी का नाम मुंह से निकल जाए ना, बोले एक जन्म नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म का जो पाप को ये ठाकुर जी का नाम ध्वंस कर देता है, जड़ समेत उसको ध्वंस कर देता है। इसलिए बोले ना मधुरम मधुरम मेतत मंगलंग मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीत स्वरूपम सक्री दबि परिगितम श्रद्धया हिलयावा भृगुवर नर मात्र तारयति कृष्णना। श्रद्धा में हो नहीं तो निगलट पूर्वक हो, अगर किसी तरह से ठाकुर का नाम ले लिया तो एक जन्म नहीं बल अशेष अगहरम विदु, जन्म जन्मांतर का सारे पाप को ये ठाकुर जी का नाम नष्ट कर देगा। इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ करने का नहीं, दो ही काम करो, क्या है बोले वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन। गोविंद गहे नाम वैष्णव जाओ स्नान करो तभी पवित्र होगे, लेकिन वैष्णव का दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाओगे। जैसे पुरुष अपनो समित्र जता, जैसे सूरज हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, गर्जन करके बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 जो करता है भैया उसको पता है कितने मस्ती और कितने उसमें आनंद है, और जो नहीं करता है उसको क्या पता है। इसलिए जो करता था वो सोचता था हम दो भाई एक घर में रहते हैं और मैं तो भजन करता हूँ, अरे भैया छोटा भैया भजन नहीं करता, अगर हम दोनों भजन करते तो कितना बढ़िया होता, कितने बढ़िया होता। जैसे पति भजन करता है अगले पत्नी भजन नहीं करता,
जैसे आत्मदेव और धुंधु का है, पति अगर आत्मदेव हो और पत्नी क्या नाम क्या है, धुंधुली, धुंधुली मतलब अज्ञान अंधकार है, कितना गड़बड़ी है। अगर पति सत्संग में जाए पत्नी नहीं जाए, अगर पत्नी अगर आत्मदेवी हो, अगर पति अगर धुंधुकारी हो, फिर गड़बड़ी है। लेकिन अगर पति भी भजन करे और पत्नी भी भजन करे, फिर तो बढ़िया गाड़ी बढ़िया चलेगी, गाड़ी बढ़िया चलेगी। इसलिए वो सोच रहे हैं भक्ति तब मैं करता हूँ, लेकिन दूसरा भाई भक्ति करता है। एक दिन उसने अपना गुरु जी को बुलाया, बोले गुरु जी एक दिन हमारे घर में आओगे, एक दिन करता कीर्तन और सत्संग करो और मेरी बढ़िया को अपना समझाओ, ये जीवन कितने दुर्लभ है, ये जीवन बारंबार नहीं मिलता, और जीवन प्रभु दिया क्यों है, कल भगवान की भजन के लिए दिया, ये मानव शरीर विषय भोग के लिए नहीं, ये तो गधे कुत्ते सुअर ये भी तो संसार करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, पीत तारा और सुत पापी को दोए है। इसलिए जगत में दो चीज दुर्लभ है, संतों को संग और हरि कथा। लेकिन रुपया पैसा धन दौलत भैया रावण के पास में कम नहीं था, एक से एक सुंदरी लंका, सोने की लंका, और पता नहीं कितने लाख नाती कितने पोती है, कतेक दुष्ट पास में भी ये दुनियादारी चीज होती है, लेकिन भगवान की कथा संतों की संगत किसी सौभाग्यवान को मिलता है। इसलिए बोले गुरु जी थोड़ी सी मेरे छोटे भैया को जरा समझाए, बोले ठीक है। अभी छोटे भैया को जो पता चला, बड़े भैया गुरु जी को बुलाया, और इसलिए बुलाया मेरे को गुरु जी समझाए भजन करो, हम बैठेंगे तभी तो समझाएंगे। इसलिए गुरु जी जब आएंगे ना, मैं तो घर को अंदर में घुस करके अंदर से कुंडी बंद कर दूंगा। जब गुरु जी आए, उसको पता चला गुरु जी आए, उसने सीधा घर में गया और अंदर से कुंडी बंद कर दी। मेरे को सत्संग में बैठना है, अभी गुरु जी जिस काम के लिए आए थे उसको समझाने के लिए, गुरु जी कीर्तन किया सत्संग किया, गुरु जी जब जा रहे थे बोले भैया किसी तरह से उसका अपना कल्याण तो करके आए। गुरु जी ने दरवाजा खटखटाया, बेटा दरवाजा खोल, बोले गुरु जी मैं दरवाजा नहीं खोलता हूँ, बोले बेटा एक बार खोलते दे। बड़े कष्ट से उसने दरवाजा खोला, खोलते गुरु जी पकड़ लिया, बोले भैया कम से कम एक बार कृष्ण तो बोल दे, एक बार कृष्ण तो बोल दे। उसने बोला मैं कृष्ण नहीं बोलता, मैं कृष्ण नहीं बोलता, बोला बेटा कृष्ण बोल ही दिया तो कृष्ण ही बोल दिया। लेकिन बेटा एक काम करियो, ये नाम का विनिमय में भगवान से कुछ मांगना नहीं, ये नाम को बेचना नहीं, यही नाम से तेरा उद्धार। ठीक है गुरु, अभी कुछ दिन बाद में मृत्यु हुई, अभी उसको जमपुरी में ले गए। जब महाराज चित्रगुप्त को पूछा, चित्रगुप्त जानते हो, चित्र मतलब होता है फोटो लेना, गुप्त मतलब होता है छुप कर। अगर कोई सोचे 10 तला बिल्डिंग के ऊपर है, सारी तरफ में घर बंद हुआ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ किसको क्या पता, बोले भैया सबको पता है। क्यों? दिन में ये सूरज का किरण सब जगह, रात को ये अंधकार सब जगह, ये चंद्रमा सब जगह है। इसलिए भगवान से छुपा करके ना कोई कुछ कर ही नहीं सकते। 10 दिशाएं, कितना दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य कर्ण, ये 10 दिशाएं, ये सारे 10 दिशाएं साक्षी है। हम क्या कर रहे नहीं कर रहे ना, वो सारे फोटो अपने आप खींच रहा है, मरने का बाद तो सारे वीडियो निकलेगा, हमने क्या क्या किया नहीं किया सारे वीडियो वहां पर निकलेगा। जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, कितने पाप और कितने पुण्य किया, चित्रगुप्त ने कापी खोले, बोले महाराज जी इसका तो कोई पुण्य ही नहीं, तो बड़ा दुष्ट था, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं है। बोले देखो तो थोड़ा बहुत तो कुछ होगा, वो पन्ने पलटाते, बोले हाँ इसको थोड़ी सी पुण्य है। बोले क्या है, बोले एक समय इसका गुरु जी घर में आए थे, अब गुरु जी सत्संग करके जब जा रहे थे, इसका हाथ पकड़ लिए, बोले बेटा एक बार तो कृष्ण बोल, गुरु जी से मुंह से सुन करके एक बार उसने कृष्ण बोला। अब गुरु जी ये भी बताया, अगर ये कृष्ण नाम तुम नहीं बेचोगे, इसी कृष्ण नाम से तेरे को उद्धार होगा, गुरु जी ने ये बात बताई। इसलिए उसने कृष्ण नाम को बेचा नहीं, विनिमय में भगवान से कुछ मांगा नहीं, एक बार केवल सतगुरु से नाम सुन करके उसने कृष्ण बोला। अब गुरु जी बोले तेरे को मुक्ति मिलेगी,
कितना पीना। अभी जब महाराज चिंता में पड़ गए, बोले भैया ये बताओ तू तो बहुत पाप किया, तेरे को तो नरक जाना ही पड़ेगा, लेकिन तू पुण्य भी किया, एक बार कृष्ण नाम भी लिया, बताओ ये दोनों में पहले क्या लोगे। उसको याद आया गुरु जी ने कहा था अगर ये कृष्ण नाम को नहीं बेचोगे ये कृष्ण नाम से तेरा उद्धार होगा, गुरु जी ने बोले थे। उसको याद आ गया, बोले भैया मैंने जो एक बार कृष्ण नाम लिया मैं इसका पुण्य दे दूं, उसको बाद में तो नरक जाऊंगा कोई बात नहीं। अभी चित्रगुप्त जब महाराज काफी खोले, अगर कोई शुद्ध साधु से कृष्ण नाम सुन करके अगर कोई कृष्ण बोलेगा तो उसका क्या फल है। उन्होंने शास्त्र को खुले, शास्त्र ढूंढते ढूंढते उनको मिला, बोले भैया अहोबत सपोच अतो गरियान जतर जिहाते वर्तते नाम तुभ्यम। कहते जो हरि का नाम लेते हैं, ध्यान से सुनो, जो हरि का नाम लेते हैं भगवान स्वयं बोले अहो अहोबत मतलब क्या आश्चर्य होकर, मतलब जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेते हैं वो कितने पुण्यात्मा है। सपोच मतलब होता है चंडा, जो कुत्ते का मांस खाता है वो इतने बड़ा चंडाल होने पर भी संपूर्ण जीवा में नहीं बोले जीवा की अग्रदेश में अगर कृष्ण नाम उच्चारण होता है क्या समझनी चाहिए। समझो पूर्व जन्म में उसने सारे दान करके आया है, पूर्व जन्म में सारे तीर्थाटन कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे यज्ञ कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुका है, तभी इसी जीवन में उसकी जीवा के अग्र में पूर्ण नहीं पूरा जीवा में नहीं तभी जीवा के अग्र में कोई कृष्ण नाम उच्चारण करता है। बोले भैया अगर पूरा जीवा में कोई नाम बोले, नहीं तो कोई दोनों आंखों से ठाकुर का दर्शन करे, नहीं तो दोनों हाथों से कोई ठाकुर को सेवा करे, नहीं तो घर से चल करके कोई सत्संग में आए। बोले भैया उसका पुण्य तो हम बता ही नहीं सकते हैं, वो कितने बड़े पुण्यात्मा है, कितने बड़े वो पुण्यात्मा है। हाँ ध्यान रखकर सुनो, कोई सो नहीं था। देखो कृष्ण नाम करने का श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, कहते जो व्यक्ति कृष्ण नाम करना प्रारंभ करता है उसका तीन काम होना शुरू हो जाता है। कितना काम? तीन। क्या तीन? तीन मैं भी बोलूंगा बाद में आपसे सुनूंगा। पहला काम होता है जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते, बोले चित्रगुप्त बोले इसका रजिस्टर लाओ, उसका नाम को यहाँ से काट दो। बोले क्यों? बोले ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना और ये कभी नरक नहीं आया, काट दो उसका नाम। गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है, बोले रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों? बोले इसका नाम को रजिस्टर में लिख दो। बोले क्यों? बोले ठाकुर का नाम जब कर रहा है वो आएगा गोलोक वृंदावन में स्थान मिलेगा, और श्री ब्रह्मा ब्रह्मा लोक में आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू कर दे। बोले क्यों? बोले वो जब संसार से मुक्त होकर के गोलोक वृंदावन में जाऊंगा मैं उसका रास्ता में आरती उतारूंगा, मैं उसका रास्ता में आरती उतारूंगा। ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति हरि नाम करते हैं कितने पुण्यात्मा। इसलिए देखना किसी किसी को तो हरि नाम में रुचि लगती है और किसी को हरि नाम में एकदम रुचि नहीं, दिन भर आग फाड़ फाड़ करके टीवी देखते रहेंगे, लेकिन बोलो भैया क्या हरिनाम करो, बोलो हरिनाम मन नहीं लगता, हरिनाम में मन नहीं लगता, इसका मतलब क्या है? वो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा वो पाप कर्म किया, इसलिए उसका जुहा से भगवान का नाम नहीं निकलती है। ठीक है ना, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। बोले हरे नाम संकीर्तन की जय। जोर से जय करो, कोई है और के जय बोलो, जोर से बोलो जैसे छत उड़ जाए। बोले हरे नाम संकीर्तन की जय। अभी लग रहा है कुछ बोल रहा है हरे कृष्ण। इसलिए क्या हुआ इसमें भगवत नाम से, देखो अभी उसने बोला मेरे को एक कृष्ण नाम का फल दो फिर नरक जाऊंगा। इतने में जब महाराज खोले सारे वेद पुराण उपनिषद
लेकिन हर जगह में एक ही बात निकला, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा अभी जब महाराज चिंता में पड़े, बोले भैया कह रहे हरि से बड़ा हरि का नाम बड़ा। अभी एक बार जो हरि का नाम लिया उसका फल क्या था, वो तो बड़े चिंता में पड़े। बोले भैया मैं नहीं बता सकता, चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं इसको। बोले भैया ब्रह्म लोक में चलो। बोले चल करके नहीं, पालक मेरे लिए मंगवाओ, पालक में कंधे पर ले जाना पड़ेगा। वो तो बीच में फंस गए, पालक मंगवाए और जब एक तरफ में और चित्रगुप्त दोनों कंधे पर लेकर के ब्रह्म लोक में ले चले। ब्रह्मा दूर से देखा, भैया ये कौन सा पुण्यात्मा जिसको ब्रह्मा और जब महाराज दोनों कंधे पर ला रहे हैं, उसने आरती का थाला सजा करके रख रही है। बहुत बड़े कोई पुण्यात्मा आता होगा जिसको मैं आरती उतार रहा। जब वहां पर लेकर के पहुंचे, बोले भैया ये कौन सा पुण्यात्मा को आप कंधे पर ला रहे हो। बोले भैया पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा। बोले इसको कंधे पर क्यों ला रहे हो। बोले ये हमें फंसा दिया बीच में, इनकी गुरु जी के मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुना और गुरु जी बोले इससे मुक्ति मिलेगी, नहीं बचोगे तो। ये कहता है भैया हमें कृष्ण नाम का फल दो, मैंने सारे शास्त्र ढूंढ लिया, हर जगह में यही कहता है हरि से बड़ा हरि का नाम। पितामह ब्रह्मा आपको दुनिया को सृष्टि करने वाले, आप ही बता दो। ब्रह्मा जी बोले भैया मैं भी चतुर्मुख में दिन रात कृष्ण नाम जप करता हूँ, अभी भी कृष्ण नाम की महिमा को मैं भी समझ नहीं पाया हूँ। उन्होंने भी वेद पुराण उपनिषद को ढूंढे, सारे शास्त्र में एक ही बात कहते हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में बताया, एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे, पापी रस साध्य नाहीं ततो पाप हरे। मतलब एक कृष्ण नाम इतने पाप को नष्ट करता है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सके। एक कृष्ण नाम इतने सारे पाप को नष्ट करता है। ब्रह्मा भी चक्कर में पड़े, बोले भैया क्या करें। बोले चलो मेरे से बड़े बोले बाबा, मेरा तो चार सर है, उनका पांच सर है। और शंकर जी कौन है, वैष्णव नाम जथा संभो, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ। चलो श्री भोले बाबा के पास में चलते हैं। बोले भैया तू चल। बोले ऐसे नहीं, पालकी कांधे लगा, ब्रह्मा भी कांधे लगाए, चित्रगुप्त जब महाराज, शंकर जी दूर से देखे, बोले भैया ये कौन सा पुण्यात्मा ब्रह्मा भी जिसको कंधे पर ला रहे हैं, वो भी आरती थाला को लेकर के, शंकर पार्वती वो भी इंतजार की जो पहुंचे। बोले भैया ये पुण्यात्मा कौन। बोले पुण्यात्मा नहीं पापात्मा। बोले फिर, बोले ये बीच में हमें फंसा दिए, आप बताओ एक कृष्ण नाम का क्या फल है। अगर किसी शुद्ध साधु की मुंह से अगर सुन करके ये कृष्ण नाम कर दो, शंकर भी सारे वेद पुराण को ढूंढे, उनको भी यही बात मिली है। बोले सुपाच अपने महिपाल विष्णु भक्ति द्विजा दी को, एक चंडाल होकर अगर कृष्ण नाम करता है। बोले द्वादश गुण युक्त ब्राह्मण होकर के अगर प्रभु की भक्ति नहीं करे, लेकिन अगर चंडाल कुल में जन्म लेकर प्रभु का नाम ग्रहण करते हैं, उसका तो उद्धार होता है, वो 21 पीढ़ियों को भी उद्धार करके ले जाते हैं। भैया उनको भी सारे शास्त्र में यही बात बताया, प्रभु का नाम की महिमा। अब तो शंकर चक्कर में पड़ गए,
वो भी नहीं बता सके, बोले चलो जिसका नाम है ना उनको पास में चलते हैं, वो स्वयं बताएंगे कृष्ण नाम का क्या फल है। उसको लेकर गए कहां पर, बैकुंठ ले चले, उसको लेकर के गोलोक वृंदावन ले चले। जब लेकर गए ठाकुर जी बोले भैया ये कौन सा पुण्यात्मा को लेकर आ रहे हो, बोले प्रभु पुण्यात्मा नहीं पापात्मा। बोले किस चीज की, बोले इसने आपके किसी भक्त के मुंह से उसने एक कृष्ण नाम सुना, वो कहता है भैया कृष्ण नाम का फल दो। हमने सारे वेद पुराण को ढूंढ लिया, हर जगह कह रहा है हरि से बड़ा हरि का नाम, आप ही बताओ प्रभु आपका नाम का क्या फल। बोले उसको ले आए, उसको जब ले आए ठाकुर जी उनको अपना गोद में बैठा दिया। बोले प्रभु बताओ ना क्या फल, बोले फल यही है अगर किसी साधु के मुंह से एक कृष्ण नाम सुनकर के अगर कोई नाम करे तो जिसको स्वयं चित्रगुप्त स्वयं जम स्वयं ब्रह्मा स्वयं शंकर जो भी कंधे पर लेकर के उनको कहां पर ले जाना पड़ेगा, उसको बोलो वृंदावन ले जाना पड़ेगा। और एक दिन ठाकुर का गोद में उसको समझ रहे हो, इसलिए क्या करनी चाहिए, कृष्ण नाम को जप करनी चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते थे सौ काम को छोड़कर के आपका भजन कर सकते हैं, एक जीवा मिला जिसमें कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हो, दो ही हाथ मिले जिसमें ठाकुर को सेवा कर सकते हो, एक ही हृदय मिला जिसको ठाकुर को स्मरण कर सकते हो, दो ही आंख मिले जिसमें ठाकुर जी को दर्शन कर सकते हो, और किसी जीवन में भजन नहीं कर सकते। अगर प्रभु का भजन नहीं करोगे ना, देखो ध्यान देकर सुनो, मरने के बाद वो जीव को जब महाराज को पास में लेकर सामने खड़ी कर दिया जाता है, जब महाराज तुम्हें ये नहीं पूछेंगे तेरे कितने दुकान मकान था, तेरे कितने बेटा बेटी थी, हैं तुमने ये बेटा बेटियों को कहां तुमने शादी करवाया, कितने ब्याज वाला से तुमने रख कर आया, ये नहीं पूछेगा। वो एक ही प्रश्न करेंगे, ये 84 लाख जन्मों के बाद में हम तो बासी बासी खा रहे हैं, समझ रहे हो, ये सब काम दूसरे जीवन में होगा लेकिन प्रभु का भजन किसी जीवन में नहीं होगा। अगर तुमने जीवन में कुछ भी नहीं किया, अगर प्रभु की भजन कर लिया ना, समझो तुमने सारे काम कर लिया, लेकिन जीवन का सारी कर्तव्य तुमने पूरी की लेकिन भजन नहीं किया तो तुम्हारा जीवन जीरो, लास्ट में तुम्हें जीवन जीरो मिलेगा। इसलिए देखना मरते समय यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने भजन किया राम का नाम लिया ना वही जा रहे हैं, और जो कुछ किया झूठे में मिलेगा, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहे, ठीक है ना। सवेरे उठ करके जो गुरु जी से माला लिए हो, सारे काम छोड़कर पहले माला जाता है, कुछ हरि नाम करो। गुरु जी ने जब ये माला दिए, ये माला नहीं दिए, गुरु जी कहते थे सख्या तो मैंने कृष्ण को दिया, अगर एक दिन तुमने माला जप नहीं किया मतलब है ठाकुर दिन भर भूखे रहते, वो स्नान नहीं करो, ठीक है ना। हर काम ठाकुर का सेवा मान कर करो, और जो गुरु जी ने जो माला दिया उसमें नियम करके, कुछ माला नियम करके करना, इतने माला में पूरी करनी है इतने माला, ठीक है। इसलिए आज हमारी सुनीता दीदी पोता की जन्मतिथि, पुत्र को ले आप उसका आशीर्वाद दे, सब घर से बोल दो मंत्र पढ़ करके ना, सबको हम उसका आशीर्वाद दे, ले आ ले। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 एक बधाई गा दो, बधाई गाएंगे बोले हरे राम हरे राम। बोले मैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो, मैं बोला
बोलूंगा बधाई हो। अब क्या बोलोगे? अब सबसे सब जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, बोले भैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया बोले बधाई हो, बधाई हो। तुम लोग का आशीर्वाद सब दे दो, फूल फूल दे दो। बूढ़ी उम्र बाद में देना, पहले कीर्तन हो जाए। बूढ़ी उम्र में भी लाला को बाद में सर, बूढ़ी उम्र में मिलो है। ये लाला मेरे नहीं, ये लाला सबका लाला है, इसलिए सबके सब लाला का आशीर्वाद दे रहे थे। भले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पड़ी जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग काला। मुझे बधाई जा रहे थे ना, ऐसे बैठे बैठे गए नाच नाच करके, तुम लोग आराम से देखिए। खड़े हो जाओ सबके सब, सबके सब खड़े। भगवान का जन्म हुआ ना, लाला का जन्म हुआ, हरि का जन्म हुआ। खड़े हो जाओ सबके, खड़े हो जाओ, टांग को सीधा कर दो, बैठ करके टांग दे दी तुम्हें। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। Jai 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 Jai